जानकी और मैं कहाँ जा रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। जिनके घर हम जा रहे हैं उनको दे रहे सरप्राइज। हमने जाना था मार्केट, मार्केट में जो काम हमारा था वो हमें बुला रखा 3:30 बजे, तो हम चुपचाप कहाँ पहुँच रहे वो आपको दिखाएंगे अभी। तो मित्रों इधर बुआ ने बड़ी बना रखी है, देखिए आप। और बुआ को अभी पता ही नहीं है हम लोग यहाँ पहुँच गए करके। बुआ को देख कर सरप्राइज। ये मेरी प्यारी भांजी पूजा ने लगा रखे हैं मजेटी। ये हो रहे मजेटी के पेड़, ये हो रहा गुलाब, बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं यहाँ पर। ये सुंदर सी बागवानी हो रही है, ये देखिए आप, सुंदर बागवानी हो रही है यहाँ। ये इधर को ये हो रहा पुदीना मजेटी, सुंदर मजेटी की बागवानी देखिए आप, बहुत ही सुंदर फूल खिले हैं यहाँ। इधर हो रहा बढ़िया सा नींबू का पेड़, ये देखिए आप, ये है पारिजात का पेड़। ये है दीदी की छत में बागवानी। जिया जी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है दीदी। इधर ये देखिए आप, ये है बृहस्पति देव का पेड़। यहाँ पर मेरी भांजी करती है पूजा। ये बागवानी इधर, ये देखिए सब जगह मजेटी के पेड़ हो रहे, बहुत ही सुंदर सुंदर। ये इधर को इधर, आज मैं आपको नवाबी रोड का एरिया भी दिखा रही हूँ। इधर सारा यहाँ से जन ननद के घर से थोड़ा सा ये गहराई में है तो कम दिखाई दे रहा है। आजकल सभी लोग कपड़े सुखाने का काम कर रहे हैं, यहाँ भी सबके यहाँ कपड़े सूख रहे हैं। ये पीछे कॉलोनी है दीदी के यहाँ की। इधर बड़े बड़े डेग रखे हैं बाहर से, क्या पता भोजन बन रहा होगा किसी के यहाँ। ये इधर है, यहाँ नहीं है क्या? ये बोलो, हिरन से भी बात कर सकते हो आप यहाँ पर। ये देखिए आप, इधर जीजाजी बैठे हैं। जीजाजी को पता ही नहीं हम लोग आ रहे। जीजाजी कह रहे अचानक कहाँ से पहुंच गए, कह रहे तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर अचानक। और इधर मंदिर तो बहुत ही अच्छा बना रखा, ऊपर बागवानी। ये मेरी दीदी का मंदिर है। जीजाजी यहाँ लाइट कहाँ से है? किचन, ये मंदिर की। ये देखो कितना सुंदर मंदिर सजा रखा दीदी ने, आप देखिए। ये ऊपर शिव परिवार है, ये मैया रानी है दोनों, नंदा सुनंदा की फोटो है, ये भोलेनाथ जी का परिवार। ये देखिए सुंदर मंदिर इधर। अच्छा ये शंख नहीं बजा मंगाई क्या? शंख फिर आपने उधर को मुंह जैसा, इधर को होता है शंख का मुंह हमारी तरफ, इधर को इस तरफ को, इधर को होता ना ऐसे। ये हाँ ऐसे होता ना, हाँ ये तो ये राम दरबार है। इधर लड्डू गोपाल जी बैठे हैं झूले में, झूला झूल रहे हैं लड्डू गोपाल। ये मेरी दीदी का मंदिर, ननद जी का, सुंदर। फिर अगर जानकी को डायली से नहीं तो फ्री नहीं होगा ना, वो लिंक कराना है, आधार कार्ड लिंक कराना है। उसके बाद अब हमारी कृतिका करेगी टिफिन निकालेगी। ओले ओले बस्ता भी दिखा रही यार, कैसी आज पेपर था क्या? हाँ कब से चल रहे? अच्छा पेपर हो गए। ये निकाला हमारी बच्ची ने लंच बॉक्स, ये देखो ये भागी। दोनों बहनों की चल रही गपशप, जानकी की और पप्पू दी की। दी बोलो कुछ और बोलो। देखो हाँ आज पहले मेरी बहनी ने और मैंने, आज मेरी दोनों नंदा अपनी अपनी कहानी बचपन की कहानी सुना रहे। सुनाओ तो क्या क्या कहानी है, प्रेम कहानी आपकी? बताओ कुछ। हाँ अब मेरे इधर तो मेरी दोनों नंद लोगों ने बचपन की प्रेम कहानी, अब मेरी छोटी सी बच्चियां भी प्रेम कहानी सुना रही है, आप लोग देखिएगा। चुनाव मेरी बच्ची क्या चुनावगी? अरे चुनाव ना वीर। हाँ ये मेरी अर्पिता है, ये हमारी है अर्पिता। अर्पिता को मिला है ये देखिए सर्टिफिकेट मिला है वहां से, और फर्स्ट आई है अर्पिता हमारी। कथक में हमारी अर्पिता फर्स्ट आई है, पिछली बार भी सेकंड क्लास की है। अच्छा ये देखिए आप, ये देख लीजिए हमारी
अर्पिता का सर्टिफिकेट फर्स्ट आने का सभी लोग बधाई दे दो, और भी हमारी अर्पिता बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पर करे, खूब नाम रोशन करे आगे को, खूब बढ़िया बने हमारी बिटिया। और ये हमारी छोटी सी क्यूट सी कृतिका, वो अपनी दीदी, बता अपनी दीदी की कहानी बता, कह रहे हैं हम भी बचपन की कहानी बताएंगे, बोली क्या बोलेगी बेटी, कौन सी कहानी बताओ? हाँ आप भी तो छोटी बच्ची हो, बड़ी हो गई हो? बड़ी मैं बड़ी हूँ, अपनी मम्मा की तरह ही बोली, मैं बड़ी हूँ। जा रही हूँ जानकी और मैं निकल रही मार्केट को। ये मेरी बिटिया लानी चो, कितनी प्यारी बच्ची है, देख सकते हैं आप, छोटी सी हमारी कृतिका को देखो मित्रों। ये कृतिका क्या बोलोगे आप, ये देखो, अरे फिर जैसे हमारा लाइट नहीं खुली भाई, ये देखो। तो अभी हमने यहाँ खा लिया खाना, अब हम जा रहे हैं, और हमारे जीजाजी ने हमको खिला दी बढ़िया सी चाय। अब हम लोगों को जाना है मार्केट। दी आप नहीं दिखाई दे रहे हो, कहानी सुनाया है सब बचपन है? हाँ बचपन का कहानी है ये, क्या क्या सुनाया? बस बचपन की कहानी है, कष्ट का हमको कष्ट करके काटी, कष्ट आना पड़ेगा। अच्छा कष्ट करके वो नाचनाई नौवा पर्ची बाप खत्म है गए हो, बिल्कुल बिल्कुल। फिर कैसे संघर्ष किया ईजा ने, और आपने कैसे मित्रों आज ननद, ये हंसी मजाक हमारी रोज की रहती है, लेकिन दीदी लोगों ने कैसे बचपना अपना काटा, बहुत संघर्ष। नौ में पढ़ती थी, फिर नाइन्थ में दीदी पढ़ती थी, नाइन्थ में पढ़ती थी तब हमारे बाबू की डेथ हो गई थी। हाँ हमने बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जिया है हमारी मम्मी की, तो मैंने बार नौकरी लग गई थी। हाँ हम बहुत संघर्ष जिया है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो हमारी बेटी है ननद जी, ये तो इनको तो पता ही नहीं है पिताजी क्या होते हैं करके, डेढ़ साल दो, कितना, दो साल के थे तुम, ढाई साल के? हाँ चार साल के थे जब इनके पिताजी की डेथ हुई, तो ये बहुत छोटे थे। तो ननद जी और ईजा स्वेटर बिन के, ईजा सर्विस भी करती थी और स्वेटर बिन के अपना घर का बच्चों को पढ़ाना खर्चा, काफी दीदी तो बहुत ईजा के साथ हेल्प करती, दोनों मम्मी बेटी स्वेटर बिन के ही अपना खर्चा निकालते थे। मैं तो बहुत स्वेटर बिनी, मैंने तब भी बिनी शादी के बाद भी। हाँ बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत संघर्षमय जीवन जिया, लेकिन माता रानी की कृपा से आज दीदी लोग भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, ईजा भी खुश है। तो मित्रों एक बार टाइम जिंदगी में आता है, दुख का टाइम आता है, उसके बाद सुख आ जाता है, तो काफी संघर्षमय जीवन रहा दीदी। और कुछ, एक आपकी चाची थी जिनके साथ आप पिक्चर जाते थे? अच्छा हमारी चाची थी, हमारी फ्रेंड थी, हाँ, चाची नौकरी वाली थी, दो तीन बच्चों की माँ थी, हाँ, तो हमसे फ्रेंड थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको हमारी चाची, फिर बताइए। तो आज दीदी अपने संघर्षपूर्ण जीवन की कथा सुना रही हैं। आज उस दिन हम रामीला जाते थे, जिस समय पिक्चर जाती थी उनकी तो डेथ हो चुकी। हाँ हाँ बिल्कुल, अब वो सयानी भी थी, लेकिन उतनी सयानी भी नहीं थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, हमारे मोहल्ले में ही रहती थी चाची जी, वो हमारी ननद जी की बेस्ट फ्रेंड थी चाची। और तो मित्रों यही था बचपन में। और जानकी की आजकल थोड़ा तबीयत ठीक है, अभी मैं जानकी को दिखाने जा रही हूँ डॉक्टर के पास, हम दोनों जने जा रहे हैं, वहीं से हमको जाना है तहसील, और इनका आधार कार्ड भी उसमें लिंक करना है। सभी लोगों को आजकल बहुत भीड़ हो रही, सभी लोगों को आधार कार्ड चेंज करना ना, सबको चेंज करना, रिन्यू कराना है, हाँ जिनका 10 साल हो गया रिन्यू कराना है। तो मित्रों अभी हम लोग अब जा रहे हैं मार्केट यहीं से, तो अभी हो गई दीदी से गपशप, अभी कभी आराम से ईजा भी बैठेगी तभी कहानी सुनाएंगे, और ज्यादा कहानी फिर आगे, क्योंकि बच्चों को भी इनके ट्यूशन जाना है अभी। अभी हमारी कृतिका ट्यूशन के लिए होगी तैयार, कृतिका बोलो आप ट्यूशन जा रहे हो ना, सोना हो पाता है इनका दिन में, कहाँ हो पाता है बच्चों को सोने का टाइम, शाम को टाइम पर सुला दिया, हाँ बस बाबा उसके बाद बच्चे सो गए 8:30 बजे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ